राम राम की सारे ने अपने चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल स्लीव की कटिंग करना बताऊंगी कि कैसे सिंपल बाजू को कटिंग किया जाता है। तो ये मेरे पास कपड़ा है जो कि हम कुर्ती को कट करते हैं, तो मैंने कुर्ती को कटिंग कर लिया और ये साइड से जो कपड़ा बचता है ये वही है बाजू के लिए। तो ये मैंने पहले दो लेयर में फोल्ड किया हुआ है, अब इसको हम फोर लेयर में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने फोर टाइम में बिछा लिया इस तरह से। बिछाने के बाद और यहाँ से ऊपर की तरफ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे कि कितनी हमें लंबाई चाहिए। तो इसमें मैंने लंबाई 15 इंच रखनी है, तो ये मैंने 15 इंच पे निशान लगाया इस तरह से। फिर इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये मैंने 15 इंच की लंबाई रखी है। 15 इंच की लंबाई रखने के बाद ऊपर की तरफ से ही हम इसमें 3 इंच डाउन करेंगे। तो ये मैंने 3 इंच का निशान लगाया और इस निशान को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो ये जैसे मैंने सीधा कर लिया है, सीधा करने के बाद यहाँ से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो ये कई बार सोचते हैं कि आर्मोल कैसे निकालते हैं, जैसे कि हम कुर्ती में मुद्दा लेते हैं कि 7 लेते हैं 7.5 लेते हैं, तो उसी के हिसाब से हम इसको आर्मोल को निकालते हैं। जैसे कि मैंने कुर्ती में 6.5 आर्मोल रखा है, तो जब हम बाजू को कटिंग करेंगे तो उसमें 1/2 इंच बढ़ा देंगे, तो इसमें रखूंगी मैं 7 इंच। तो जब हम बाजू को ज्वाइंट करेंगे और हमारी सिलाई आती है फिटिंग वाली, तो वो इस निशान के ऊपर आएगी। तो यही है आर्मोल को, बाजू का आर्मोल को निकालने का तरीका सही। और यहाँ से हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे अगर हमें बाजू लूज भी करनी पड़े तो, मार्जिन होना चाहिए। तो यहाँ से जितनी भी आपकी मोरी है आप उतना निशान लगा लें, जैसे कि मैंने 5 इंच की मोरी रखनी है और नीचे की तरफ लगा लेंगे एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से मिलाने के बाद और यहाँ से जितना हम यहाँ से डाउन करते हैं उतना ही हम यहाँ से लंबाई के लिए रखते हैं, भाई जहाँ से हमें ये राउंड शेप देनी होती है आर्मोल की। तो इस तरह से तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से हल्की सी इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बाजू की कटिंग होती है। और ये ऐसा नहीं है कि कई बहनें ऐसी हैं जैसे कि कहती हैं भी ये आर्मोल के हिसाब से रखते टेस्ट के उसके हिसाब से रखते हैं, और जो मैंने आपको ये तरीका बताया है बाजू का आर्मोल निकालने का, एक बार इस तरीके से भी निकालें एकदम से इक्वल आपकी बाजू की कटिंग होगी। तो इन्हीं निशानों के ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पहले यहाँ पे सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हम जब बाजू को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे तो हमें सेंटर का पता रहेगा। ये बिल्कुल मैंने आसान सा तरीका आपको बताया है बाजू को कटिंग करने का। तो ये देखिए ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। बाजू की कटिंग करने के बाद यहाँ से हम फ्रंट को छांटते हैं, क्या करते हैं कई बार भी 8 इंच छांट ले, ये सिर्फ हमारी चाहे हैवी साइज हो या नॉर्मल साइज हो। तो यहाँ से हम 1 इंच की ही छांट देंगे फ्रंट में। तो ये मैंने 1 इंच का निशान लगाया इस तरह से, और इसको भी हमें जो सेंटर का कट लगाया इसके पास से कुछ इस तरह से, और इस निशान तक मिलानी होती है। अब इसके 2 पार्ट को उठाएंगे और इस तरह से इनको कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए ये मैंने आपको बाजू की कटिंग दिखा दी है। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है ये, आप भी इस तरीके को फॉलो करें तो आपकी भी बाजू में और आर्मोल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।